आई शो यू ये कितनी लूज हो गई है, ये दिख रहा है लिटरली इतना ऊपर तक जा रहा है ये। सो ब्यूटीफुल अजमेर, ये रहा महाराणा प्रताप स्मारक। अरे अंकल जाने दो मियाँ, ऐसा काहे करत है। गुड मॉर्निंग पीपल, तो आज हूँ मैं पुष्कर में और अभी मैं सेट हो गया, रेडी हो गया। अभी टाइम हो रहा है 9:30 के आसपास हो रहे हैं, 9:22। तो आज पुष्कर एक्सप्लोर करते हैं। तो कल रात में पहुँचते पहुँचते मुझे 4:30-5 हो गए, रूम लिया, मैं फ्रेश हुआ और काम तब हो तो काम किया फटाफट और रात को मंदिर जाके आया, जो अपने पिछले ब्लॉग में देखा ही होगा। तो अभी थोड़ा पुष्कर में सबसे पहले ब्रेकफास्ट के लिए निकलते क्योंकि बहुत भूख लग रही है। रात को खाना खाया बट इतना कुछ पसंद नहीं आया, खाना ठीक ठाक था। तो अभी रूम पूरा बिखरा हुआ है, तो मैं रूम अभी क्या ही दिखाऊँ, ये देखो सब बिखरा हुआ रूम है। सो मैं फटफट अभी जाता हूँ ब्रेकफास्ट करते, एक्सप्लोर करते चीज़ें क्या है एंड देन देखते आज का कैसे प्लान बनेगा, क्योंकि आज काम भी करना है और घूमना भी है। तो दोपहर के टाइम पे यूजुअली काम करेंगे और शाम को घूमेंगे। देखो ये कैफे मिला कर रहा हूँ मैं, रियल आउट ऑफ द ब्लू। ये अरे जो घूम लिया है वहाँ से हार्डली 300-400 meters पर है, वैसे ही घूम रहा था कैफे दूर करने, ये मेरे को अच्छा लगा। सो दिस इज व्हाट आई हैव ऑर्डर्ड। मैंने आलू पराठा ऑर्डर किया अभी के लिए और एक इजरायली ब्रेकफास्ट ऑर्डर किया, उसको टाइम लगेगा। अभी आलू पराठा खाते हैं, फिर इजरायली ब्रेकफास्ट जब आएगा उसका भी आपको अपडेट देते हैं। और ये है मेरा इजरायली ब्रेकफास्ट, दिस इज फ्राइज, ये शाक्शुगा कुछ है, दिस इज सैलड, दिस इज हमस और ये है पीटा। तो इससे पहले जो आलू पराठा खाया था उसका टेस्ट अच्छा था, ये खा के बताते हैं आपको टेस्ट कैसा है। तो सुबह आफ्टर ब्रेकफास्ट मेरे को मीटिंग की, 11:30 बजे ब्रेकफास्ट होते होते 11 बज गए, फटाक से मैं रूम पर आया, मीटिंग की, काम की, नैप लिया और उसके बाद अभी बज रहे हैं 3:15 के अराउंड हो रहे हैं। तो नाउ आई एम लीविंग, तो नीचे जाते हैं लंच करते हैं। तो सबसे पहले गाड़ी में एक प्रॉब्लम आया है वो मैं आपको दिखाता हूँ, नीचे चलिए, नीचे पार्किंग है। तो फर्स्ट फ्लोर पे रूम है, ग्राउंड फ्लोर जस्ट नीचे, मैं लिफ्ट से जा रहा हूँ। ये है होटल, यहाँ पे इनका कुछ कैफे है और ये साइड है पार्किंग, मेन एंट्री लॉबी और ये है कवर्ड पार्किंग। तो वो रही अपनी गाड़ी एंड आई गेस बारिश हुई है, मुझे स्मेल आ रही है, इज इट, यस बारिश हुई है बाहर, पानी पानी है। हाँ मैं बता रहा था, तो गाड़ी की चैन हो गई है लूज। तो ये गाड़ी की चैन है जिसमें प्रॉब्लम आ रहा है, इफ़ आई शो यू ये कितनी लूज हो गई है, ये दिख रहा है लिटरली इतना ऊपर तक जा रहा है ये। सो ये इतना ऊपर जाना नहीं चाहिए, मैंने मैकेनिक को सुबह वीडियो भेजा था और उसको बताया, तो ही सेड कि लूज़ हो गई है चैन, तो ये टाइट करा लेना। हार्डली इसको अपने उंगली का एक पॉइंट होता है ना, ये इतना इतना बस उसको फ्रीडम होना चाहिए। तो वो अभी कराते, यही मैं पास ही में मैंने गैरेज देखा था उनके पास जाते, मिनिमम काम है वो कराते और फिर लंच करते आगे। सो दोपहर के जैसे अभी भी मैं एक्सप्लोर करते करते आया और मुझे ये राधे जी रेस्टोरेंट करके मिला, दिस इज साउथ इंडियन रेस्टोरेंट। तो यहाँ पे आई हैव ऑर्डर्ड मसाला डोसा, तो मसाला डोसा है और रोटी सब्जी भी मंगाई है। तो लेट मी जस्ट टेस्ट इट एंड गिव यू द रिव्यूज यहाँ के। तो ये रही मलाई कोफ्ते की भाजी, दो रोटी और मालपुआ, सब साथ ही में ला के दे दिया भैया ने। सो डोसा का टेस्ट ओके लग रहा है, बाकी की चीज़ें टेस्ट नहीं की अभी, जस्ट आई है। बट नॉर्थ इंडिया में इतना अच्छा डोसा होना इज़ अ गुड थिंग। तो ये मुझे लोकल मैकेनिक शॉप मिला जहाँ पे गाड़ी की चैन टाइट हो रही है,
सो ये हार्डली स्टे से थोड़ा ही दूर था। और ये भैया चेन हेल्प कर रहे हैं। इतना चल चल के गाड़ी की हालत भी ख़राब हो गई थी, तो यहीं पे भैया के पास वॉशिंग भी अवेलेबल है तो वॉशिंग के लिए दे दी। भैया अभी वॉश कर रहे, भैया बोले 15-20 मिनट लगेगा वॉश होने के लिए, पूरी क्लीन कर देंगे। और चेन जो लूज़ हो गई थी वो भी टाइट कर दी है। तो मैं जैसे निकल रहा था रूम से, यहाँ की लाइट चली गई प्रॉपर्टी की। आज बारिश हुई है पुष्कर में, तो इसके लिए लाइट का बहुत सीन चल रहा है। सुबह से 2-3 बार जा चुकी है और अभी हो रहे हैं 6। मैं निकल रहा हूँ अजमेर के लिए, तो अजमेर में 3-4 चीज़ें हैं जो हम कवर करेंगे और इसके बाद रिटर्न आ जाएंगे। तो यहाँ से अजमेर इज समथिंग अराउंड 17-18 किलोमीटर्स, जाने के लिए आधा पौना घंटा लग जाएगा। यहाँ से निकलते हैं राइट लेने। तो ये रहा भैया का शॉप जहाँ पे मैंने अभी गाड़ी की वॉशिंग और चेन टाइट कराई। और ये रूम से हार्डली 100 मीटर दूर होगा, तो मैं हेलमेट पहन के नहीं आया था, बट अभी निकला हूँ तो सेम वही रोड से क्रॉस हो रहे हैं। और अभी थोड़े थोड़े बादल लग रहे हैं, ऐसे नहीं ये बादल चाहिए साइड है, राइट साइड में थोड़े बहुत बादल हैं और आगे थोड़े बहुत लग रहे हैं, बस बारिश ना मिले। बारिश लगेगी तो रुकना पड़ेगा कहीं पे रास्ते में, ऐसे सिटी है तो सिटी में कोई दिक्कत नहीं आता, हाईवे पे अगर बारिश लगेगी सो इट गेट्स डिफिकल्ट, भीगना ही पड़ता है। लुक एट दिस ब्यूटीफुल माउंटेन, क्या मस्त लग रहे हैं ना। सो ये पुष्कर से अजमेर या अजमेर से पुष्कर जाने वाले रोड में अभी यहाँ पे छोटा सा घाट है। अच्छा, तो मैंने पिछले वीडियो में गलत इन्फॉर्मेशन दे दी थी, तो मैंने कहा था कि पुष्कर में मीटियोर फॉर्म लेक है, बट नहीं, वो पुष्कर में नहीं है। आई डोंट नो मैंने कहाँ पे क्या पढ़ा था या कोई वीडियो में देखा था या कुछ, में कंफ्यूज हो गया पता नहीं। सो जो मीटियोर वाला लेक है वो है सोनार लेक और वो महाराष्ट्र के अंडर है, आई गेस बुलढाणा के इधर कहीं पे तो है। मैंने गूगल पे सर्च किया एंड दिस इज़ मैन मेड लेक, दिस इज़ नॉट आर्टिफिशियल लेक। तो इट इज़ सेड कि यहाँ पे ब्रह्मा जी ने आके अपना कमल का कुछ तो किया था, मतलब उनका जो फ्लावर है कमल लोटस, उसको फर्स्ट टाइम बहाया था यहाँ पे, समथिंग लाइक दैट। तो उसके लिए, और तो उसके लिए यहाँ पे ब्रह्मा जी का टेम्पल है विच इज़ वन इन होल इंडिया या होल वर्ल्ड, आई डोंट नो बट विच इज़ वन इन इंडिया वो मुझे पता है, क्योंकि ब्रह्मा जी की पूजा की नहीं जाती, उसके पीछे हिस्ट्री है। अभी कल मुझे ब्राह्मण ने बताया, लेकिन बहुत सारी चीज़ें हुई वहाँ पर, तो आई एम नॉट श्योर कि शैल आई टेल दोज थिंग्स, क्योंकि वो ब्राह्मण वहाँ पर बैठे हैं, दे आर जस्ट सिटिंग देयर टू एक्सप्लॉइट। कुछ स्टोरियाँ सुनाते हैं, क्या क्या करते हैं, और उसके बाद बोलते हैं इतनी दक्षिणा दो, इतनी दक्षिणा दो, उतनी दक्षिणा दो। इवन इफ समवन इज़ नॉट विलिंग टू पे तो भी उनके पीछे पड़ेंगे, नहीं ये कहो ब्राह्मण की दक्षिणा दो, इसकी दक्षिणा दो, उसकी दक्षिणा दो। दिस फील्स लाइक अ स्कैम, इसकी वजह से धर्म का नाम खराब होता है। नहीं यार, लोगों को अपने हिसाब से पूजा करने दो, लोगों को अपने हिसाब से देने दो, किसी की इच्छा होती है देने की, किसी की नहीं होती है देने की। सो वो आप उनको फोर्स करना कि नहीं दे, वो इतना दो, ये करो वो करो, ना नॉट अप्रिशिएटेड। उसकी वजह से जगह का नाम भी खराब है। वाह, जिक्सर जिक्सर 250। उसकी वजह से जगह का नाम खराब होता है।
लुक एट दिस ब्यूटीफुल व्यू और ये ब्यूटीफुल वैली राइट साइड में। अभी चली गई कैमरा चालू करते करते, आगे से आएंगे तो दिखाता हूँ या रिटर्न आते हुए दिखाता हूँ। इट्स सो ब्यूटीफुल, क्या ही बताऊँ। देखो यहाँ से दिखेगी, ये हम पहुँच गए पीक पे। एक चीज़ अच्छी, यहाँ से ट्रक वगैरह पास नहीं होते, अगर ट्रक पास होते रहते तो यहाँ पे एक्सीडेंट होने के चांसेस बहुत होते हैं। ऐसे सिमिलर कंडीशन है खंडाला के घाट की। तो सी दिस इज वेयर वी आर क्रॉसिंग पीक, अभी डिसेंट चालू हो जाएगा। और यहाँ पे इतने सारे मंदिर है ना, एक के बाद एक मंदिर, एक के बाद एक मंदिर। एंड लुक एट दिस इज अजमेर, सो ब्यूटीफुल अजमेर। सो यहाँ पे है महाराणा प्रताप स्मारक, ये रहा महाराणा प्रताप स्मारक। सो ये वही है जो हम जोधपुर में देखे, महाराणा प्रताप के बारे में जो हम सुने वो चीज है ये। उन्हीं का स्मारक है, सब जगह है। अभी यहाँ की हिस्ट्री क्या है पता नहीं, वो देखनी पड़ेगी, पढ़नी पड़ेगी यहाँ की हिस्ट्री। अभी अजमेर जाने का मेन मोटिव है एक तो दरगाह करना, सेकेंड चीज़ है ढाई दिन की झोपड़ी, ढाई दिन का महल समथिंग कुछ तो है ऐसे, जिसको ढाई दिन में बिल्ड किया गया था टू प्रोटेक्ट टेम्पल, जो हिंदुओं के टेम्पल है वो प्रोटेक्ट करने के लिए वो ढाई दिन में बिल्ड किया गया था। इसके लिए इसको कहा जाता है ढाई दिन की झोपड़ी। तो अभी जाते हैं ढाई दिन की झोपड़ी पे पहले, क्योंकि वो 7 बजे बंद होता है दरगाह, 8 बजे बंद होता है, अभी हो रहे 6:30। तो वो झोपड़ी जाके आते हैं पहले, उसके बाद दरगाह जाते हैं। और ये है अजमेर सिटी, अजमेर सिटी का आउटसाइड है, सिटी अंदर जाएंगे तो बहुत ऐसी क्या बोलते हैं हौच पौच बनी हुई है सिटी, बहुत क्लस्टर्ड है। फिर से गूगल आंटी का प्रॉब्लम, देखो यहाँ पे रास्ता बता रहा है यहाँ से सीधा जाना, लेकिन यहाँ पे तो सीढ़ियाँ है। अच्छा, तो यहाँ पे लोकल्स ने बताया, लोग ऐसे ही आते हैं मैप लगा के और फंस जाते हैं, तो इसके आगे से रास्ता है, विच इज़ लाइक इसके आगे जाओ बोर्ड लगा हुआ है। तो मैं यहाँ से आया और ये लेफ्ट टर्न लिया, कहा कि आगे जाओ, आगे से एक बोर्ड लगा हुआ है वो आपको लेके जाएगा। और चांद देखो क्या मस्त दिख रहा है, अभी कहा बोर्ड बोले छोटी नगफनी, भैया वो ढाई दिन के झोपड़े के रास्ता किधर से, ढाई दिन का झोपड़ा जो है हाँ आगे जाने के बाद चढ़ाई हाँ ओके ठीक है चलेगा, थैंक यू। अंधेरा हो रहा है और चढ़ाई आएगी वहां से लेफ्ट है कहीं से, तो बोले ये
मस्जिद नूरे इलाही। ओके, ये चढ़ाई आ गई और ये है अजमेर दरगाह शरीफ बोल रहा है ये। भैया ये 2.5 दिन के झोपड़ा यहाँ से जाता है? एकदम स्ट्रेट। ठीक है, थैंक यू। सही है सही है, सही रास्ते पे। यहाँ पे लाइट क्यों नहीं है? और अंधेरे में क्या ही देख पाएगा मैं, आई एम नॉट श्योर। जाके तो देखते हैं क्या सीन है। अरे अंकल जाने दो मिया, ऐसा काहे करत है। चल लाइट है यहाँ पे, लाइट लग गई। स्ट्रीट लैंप्स। चढ़ाई पे कौन स्पीड ब्रेकर बनाता है? अच्छा उतरने वाले लोगों के लिए है वो स्पीड ब्रेकर, चढ़ाई वालों के लिए क्यों बना के रखे हैं? दोनों साइड से चढ़ना ही पड़ेगा, नहीं तो लोग ऐसे आते हैं इधर से निकलते, स्पीड ब्रेकर नहीं होगा ये साइड तो। स्मार्ट पीपल। ये रोड बहुत एडवेंचरस है, मतलब दोनों साइड से पहाड़, घर, लोग, अंधेरा। चाहिए था अभी तक शेष 5 मिनट में पहुंच जाएंगे। और ये ऑफ रोडिंग। देखो क्या मस्त लग रही है अजमेर सिटी। यहाँ से वेरी बिग सिटी अजमेर भी, एक पहाड़ से दूसरे पहाड़ पे है। राइट साइड में आधी सिटी है, लेफ्ट साइड में आधी सिटी है। इतने ऊपर आके झोपड़ा कौन बनाया था भाई? ये अजमेर की गलियों से, तो वो 2.5 दिन का जो झोपड़ा है वो दरगाह के पास ही है, ये मुझे पता ही नहीं था। यहाँ आए तो पता चला। और यहाँ पे ये ऊपर से, ओके ये रहा 2.5 दिन का झोपड़ा। इसकी एंट्री कहाँ से है? पूरी वहां से एंट्री है। तो ये रही 2.5 दिन की झोपड़ी ऊपर जो दिख रही है वो। आई डोंट नो कैमरा में कितना कैप्चर हो रहा है क्योंकि अंधेरा है। तो बेसिकली मैं पहुँचते पहुँचते वो बंद हो गया था,
6:30 बजे ही बंद करते बोले वो, तो फिर यही रोड से आगे दरगाह था, तो दरगाह में जाके आया। कितनी भीड़ है भाई उधर भी, नेक्स्ट लेवल भीड़ है। तो बट जो दो काम थे वो हो गए, एक तो दरगाह और दूसरा इधर आना था लेकिन ये हुआ नहीं। सॉरी, दो काम नहीं हुए वैसे टेक्निकली, बट यस। तो अभी निकलते हैं यहाँ से, राइट से क्योंकि लेफ्ट में बहुत भीड़ है। तो ये मैं आ गया गार्डन, ये कौन सा गार्डन है, दौलत गार्डन। अभी ये लाइटिंग उसकी दिख रही है, किसकी दिख रही है मुझे पता नहीं, बट ये पार्किंग है, यहाँ पे लगाते हैं और अंदर जाके देखते हैं। तो बेसिकली ये लेक है, अजमेर की लेक है, उसके अराउंड बना हुआ है, उसके अराउंड उसके साइड एक साइड में बना हुआ है। बट अभी दिन में क्या दिखेगा पता नहीं, देखते हैं। सॉरी, रात में क्या दिखेगा पता नहीं। सो ये मैं आ गया दौलत पार्क, यहाँ पे पीछे पार्किंग का जगह था तो मैंने गाड़ी वहाँ पे पार्क कर ली, और अभी ये रही एंट्री।